हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लासेस एंड थर्ड लेक्चर ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आज का जो क्वेश्चन हमारा डिबेंचर वाला है उसमें थोड़ा सा ही चेंजेस है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसके अंदर नंबर ऑफ डिबेंचर्स देता था, नंबर ऑफ डिबेंचर देता था, मतलब क्वेश्चन में इस तरह से बोलता था 300 डिबेंचर खरीदा, 500 डिबेंचर खरीदा या 800 डिबेंचर खरीदा। अब तक जो डिटेल दे रहा था ना वो नंबर ऑफ डिबेंचर्स की थी, तो हम लोग क्या करते थे दो जीरो बढ़ा के फेस वैल्यू में लिखते थे, क्योंकि हमें फेस वैल्यू चाहिए और डिबेंचर का फेस वैल्यू क्या रहता है 100 रहता है। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले उसके अंदर नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं देगा बच्चे, उसके अंदर आपको ऑलरेडी वो फेस वैल्यू दे देगा। तो बच्चे याद रखो, जब क्वेश्चन में ऑलरेडी फेस वैल्यू दे देगा तब आपको दो जीरो बढ़ा के यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख देना है। जैसे मान लो क्वेश्चन में बोलते हैं 30,000 का डिबेंचर खरीदा, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे 30,000 लिख देना है, 30,000 में दो जीरो नहीं लगाना है। दो जीरो लगाना कब है, जब नंबर ऑफ डिबेंचर्स देगा, और कब जीरो नहीं लगाना है, जब वो आपको फेस वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे देगा। चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ऑन 1st April 2012 धालाबालू हेल्ड 500 6% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 48,000। 1 अप्रैल के दिन उसके पास 500 बॉन्ड पहले से थे, तो बेटा इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ओपनिंग बैलेंस। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून को इंटरेस्ट मिलता है और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलता है। He entered into the following transaction in respect of 6% central government bond during the year ending 31st March 2013. अब देखो, परचेज का एक अलग ग्रुप दे दिया है और सेल का एक अलग ग्रुप दे दिया है। परचेज पूरे साल में दो बार किया है इसने, फर्स्ट मई को परचेज किया है, फर्स्ट सितंबर को परचेज किया है। सेल भी दो बार किया है, फर्स्ट अगस्त को किया है और फर्स्ट फरवरी 2013 यानी अगले साल में किया है। तो पहले बेटा इसको आपको सीक्वेंस में डालना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट मई का परचेज आएगा, उसके बाद फर्स्ट सितंबर का परचेज नहीं आएगा, फर्स्ट अगस्त का सेल आएगा, फिर फर्स्ट सितंबर का परचेज आएगा, फिर फर्स्ट फरवरी का क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। वो आपको सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा। शो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ धालाबालू फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013। ये क्वेश्चन March 2011 पे आया था। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले लिखेंगे टॉप पर इन द बुक्स ऑफ धालाबालू इन्वेस्टमेंट इन 6% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013। डेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन की दूसरी लाइन पे दिया था 30 जून एंड 31 दिसंबर। अब फटाफट सीक्वेंस अरेंज कर लेते हैं, सीक्वेंस अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट अप्रैल को है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद परचेज के ग्रुप में अगर आप आओ तो पता चलेगा सबसे पहला परचेज फर्स्ट मई को हुआ है। एक लाइन छोड़ देने का, लिखने का फर्स्ट मई परचेज, फिर उसके बाद अगर आप दूसरा परचेज देखो तो वो फर्स्ट सितंबर का है। लेकिन अगर आप सेल पे जाओ तो आपको पता चलेगा पहला सेल फर्स्ट अगस्त का है, तो सितंबर से पहले अगस्त का, तो आप परचेज नहीं ले सकते बच्चे, आपको सेल लेना पड़ेगा। फर्स्ट अगस्त सेल, अब आप परचेज ले सकते हो फर्स्ट सितंबर परचेज, और लास्ट सेल है फर्स्ट फरवरी सेल, और फिर साल खत्म हो जाएगा तो बेटे क्या आ जाएगा 31st मार्च का क्लोजिंग बैलेंस। ये सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। अब इंटरेस्ट को हम लोग एडजस्ट करते हैं। पहला इंटरेस्ट 30 जून को है, अप्रैल और मई के बीच में जून नहीं आता, मई और अगस्त के बीच में जून आता है, तो मई और अगस्त के बीच में लिखेंगे 30 जून इंटरेस्ट। दूसरा इंटरेस्ट 31 दिसंबर को है, दिसंबर अगस्त सितंबर के बीच में नहीं आएगा, सितंबर और फरवरी के बीच में आएगा, 31 दिसंबर इंटरेस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अप्रैल 2012 ओपनिंग बैलेंस है, याद करो पढ़ाया था, ओपनिंग बैलेंस को डेबिट में लिखते हैं। फर्स्ट अप्रैल 2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऑल राइट, पहली लाइन पे आते हैं।
500 सेंट्रल बॉन्ड थे इसके पास, 500 नंबर में दिया है, तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फेस वैल्यू 100 है तो दो जीरो बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा 50,000, उसकी कॉस्ट दिया है 48,000, तो बच्चे आपको खाली क्या कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन रुपीज फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या चल रही है 50,000 फॉर डैश मंथ। देखो अभी आप अप्रैल में हो और लास्ट टाइम इंटरेस्ट मिला था दिसंबर, तो दिसंबर को छोड़ के जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे जाने तो ऐसे जाओ, उल्टा जाने तो उल्टा जाओ, मार्च फरवरी जनवरी दिसंबर में तो इंटरेस्ट मिला ही था, ऐसे जाओगे तो अभी 3 महीना आएगा, रिवर्स जाओगे तो अभी 3 महीने फॉर 3 मंथ। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, 50,000 पर 6% इंटरेस्ट है 3 महीने के लिए, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 आंसर आ जाएगा 750 रुपीज, यहाँ पे लिखेंगे 750 वर्किंग नोट में 1 आपका ओपनिंग बैलेंस सॉल्व हो गया। फिर 1 मई को परचेस है, परचेस करोगे तो बॉन्ड आएगा, जो चीज आती है डेबिट हो जाती है, डेबिट में जाएंगे लिखेंगे 1 मई 2012 टू बैंक अकाउंट। चलो क्वेश्चन में देखते हैं कितना बॉन्ड खरीदा कैसे खरीदा, तो 1 मई को फेस वैल्यू 10,000 है और 102 रुपया का इंटरेस्ट है, फेस वैल्यू 10,000 है तो फेस वैल्यू में लिख देने का 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 102% कर देगा, मगर कम इंटरेस्ट है तो वर्किंग नोट पे जाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2 प्राइस, फेस वैल्यू बेटे कितनी है 10,000, प्राइस क्या है 102% ले लेने का, 10,000 को 102% पे करोगे तो कितना आ जाएगा 10,200 माइनस कम इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे ऑन रुपीज 10,000 फॉर डैश मंथ। चलो फटाफट मंथ कैलकुलेट कर लेते, अभी आप मई में हो, मई स्टार्ट हुआ है, मई को भूल जाओ, मई के पहले अप्रैल मार्च फरवरी जनवरी दिसंबर को इंटरेस्ट मिला तो दिसंबर नहीं ले सकते, तो आपके मंथ हो गए 4 10,000 पर 6% 600 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 200 माइनस करने के बाद कॉस्ट आ जाएगा 10,000 यहाँ पे लिख देने का कॉस्ट। चलो कॉस्ट के कॉलम में जाएंगे लिखेंगे 10,000 इंटरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे 200 वर्किंग नोट के कॉलम में लिखेंगे 2 सक्सेसफुली परचेज सॉल्व हो गया। 1 मई के बाद 30 जून को इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपका फायदा है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 30 जून 2012। इंटरेस्ट के टाइम फेस वैल्यू और कॉस्ट में डैश आ जाते हैं, सिर्फ किस पे फोकस करने का इंटरेस्ट, मेरे पास 50,000 का बॉन्ड पहले से था, मैंने 10,000 का बॉन्ड और खरीदा क्रेडिट में आके, देखो बेचा कुछ नहीं हूं, तो कह रहे से मेरे पास 60,000 का बॉन्ड है तो मुझे 60,000 पर इंटरेस्ट मिल जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन रुपीज 60,000 फॉर, कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रही है बेटे, तो कितने महीने का देगी 6 मंथ का देगी, तो लिखेंगे फॉर 6 मंथ। चलो 60,000 उसका 6% आ जाएगा 3,600 और 6 महीने के चाहिए तो इनटू 6 डिवाइडेड बाय 12 आंसर आएगा 1,800 रुपीस, यहाँ पे जाएंगे लिख देंगे 1,800 रुपीस, योर वर्किंग नोट नंबर इज 3 याद करो। चलो आगे बढ़ते हैं, याद मत कुछ मत करो, इंटरेस्ट हो गया। ऑल राइट, 1 अगस्त को सेल है तो क्रेडिट में जाएंगे,
सेल करोगे तो डिबेंचर या बॉन्ड जाएगा, जो चीज जाती है क्रेडिट हो जाती है। क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। चलो फर्स्ट अगस्त का ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट अगस्त को 15,000 की फेस वैल्यू का बॉन्ड बेचा है, 104 रुपया कम इंटरेस्ट, 15,000 फेस वैल्यू है बेटे, कम इंटरेस्ट है तो फॉरेन वर्किंग नोट पे आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 4 प्राइस। प्राइस कैसे निकालते हैं? फेस वैल्यू लेने का 15,000 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस कितना है आपका 104, तो 104%, 15,000 × 104% वैल्यू आ जाएगी 15,600। कम इंटरेस्ट है तो माइनस करना पड़ेगा, लेस कम इंटरेस्ट ऑन रुपीज फेस वैल्यू 15,000 फॉर डैश मंथ। चलो फटाफट मंथ कैलकुलेट करते हैं। अभी आप अगस्त में हो, अगस्त स्टार्ट हुआ है, भूल जाओ अगस्त को। अगस्त के पहले क्या आता है? जुलाई, फिर क्या आता है? जून। जून में तो इंटरेस्ट मिला था ना, तो खाली एक महीने का इंटरेस्ट आएगा, दैट इज जुलाई फॉर वन। तो मंथ हटा के मंथ लिखना पड़ेगा। चलो 15,000 6% आता है 900 इंटू 1/12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 75 रुपीज। ये आपका इंटरेस्ट आ गया, वैल्यू बचेगी 15,525। यहाँ पर लिख देंगे कॉस्ट, तो कॉस्ट के कॉलम में जाएंगे 15,525 में बेचा, उस पर इंटरेस्ट था 75, वर्किंग नोट नंबर था 4। अब याद करो, सेल करते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है, तो वर्किंग नोट नंबर 5 PNL ऑन सेल। आज तुम मुझे गाइड करोगे, सबसे पहले क्या लेने का? सेल प्राइस कहां से आता है? फेस वैल्यू के कॉलम से के कॉस्ट के कॉलम से? कॉस्ट के कॉलम से। कॉस्ट के कॉलम में 15,525 माइनस नॉर्मल कॉस्ट या वेटेड एवरेज कॉस्ट? वेटेड एवरेज कॉस्ट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट। अब तीन लाइन का ब्रैकेट, फर्स्ट साइड फेस वैल्यू, सेकंड साइड कॉस्ट। फेस वैल्यू के लिए क्या करेंगे बेटे? पूरा डेबिट प्लस करेंगे फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू का पूरा डेबिट है 60,000। क्रेडिट में आओ, करंट फेस वैल्यू को छोड़ दो, ऊपर कुछ भी नहीं है, होता तो माइनस कर देता, नहीं है तो 60,000 एज इट इज देयर हो जाए। अब आ जाओ कॉस्ट पे, 58,000 का डेबिट है, क्रेडिट में करंट कॉस्ट छोड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 58,000 आ जाएगा। अब क्या करोगे? करंट ट्रांजेक्शन का फेस वैल्यू, ये करंट ट्रांजेक्शन है, इसका फेस वैल्यू 15,000 है, तो फेस वैल्यू के नीचे लिख देंगे 15,000, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 58,000 डिवाइडेड बाय 60,000 आंसर आएगा 14,500। तो बेटे बेचा कितने में हो? 15,525, और मुझे पड़ा कितने का था? 14,500। तो जैसे ही माइनस करूंगा 1,025 रुपए का मुझे हो जाएगा प्रॉफिट। यहां पे लिख देता हूं प्रॉफिट। प्रॉफिट को डेबिट पे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो डेबिट में जाने का लिखने का टू प्रॉफिट स्लैश लॉस अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 5। फेस वैल्यू और इंटरेस्ट में कुछ नहीं, कॉस्ट में 1025, डेट सेम लेने का 1st August 2012, ठीक। सेल कंप्लीट हो गया। अब 1st September को परचेस हुआ है तो डेबिट में आने का, क्योंकि खरीदोगे तो आएगा, जो चीज आती है डेबिट होती है,
तो 1 सितंबर 2012 टू बैंक अकाउंट। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। 1 सितंबर के दिन 30,000 की फेस वैल्यू 105 रुपया एक्स इंटरेस्ट, तो डायरेक्ट यहां पे लिखता हूं 30,000। और कॉस्ट के लिए वर्किंग नोट में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि एक्स इंटरेस्ट 30,000 कितने खरीदा है 105 को इनटू 105% या क्या कॉस्ट 31,500। सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढना बाकी है, इंटरेस्ट। चलो वर्किंग नोट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन रुपीस क्या फेस वैल्यू है 30,000 फॉर डैश मंथ। अभी कहां पर हो, सितंबर, सितंबर तो स्टार्ट हुआ है, भूल जाओ सितंबर के पहले अगस्त जुलाई जून में तो इंटरेस्ट मिला था, तो 2 महीने का इंटरेस्ट आएगा फॉर 2 मंथ, तो 30,000 का 6% 2 महीने के लिए निकालेंगे, आंसर आएगा 300 रुपीज। यहाँ पे जाने का लिखने का 300, वर्किंग नोट नंबर इज 6, परचेज भी सॉल्व हो गया। उसके बाद 31 दिसंबर को इंटरेस्ट है तो क्रेडिट में जाएंगे, लिखेंगे 31 दिसंबर 2012 बाय बैंक अकाउंट। फेस वैल्यू में कुछ नहीं, कॉस्ट में कुछ नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, तो वर्किंग नोट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन रुपीस। चलो ध्यान दो, 50 का मेरे पास पहले से बॉन्ड था, 10 का और खरीदा, 30 का और खरीदा, टोटल 90,000 का बॉन्ड, 90,000 में से 15,000 का बॉन्ड मैंने बेच चुका हूं, तो फिलहाल मेरे पास जो बॉन्ड है वो कितने का है 75,000। कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट दे दिए, तो कितने महीने का इंटरेस्ट देगी बेटे 6 मंथ। चलो 75,000 पे 6%, 6 महीने के लिए आंसर आएगा, 75,000 का 6% 6 महीने के लिए आंसर आएगा 2,250। यहाँ पे लिखेंगे 2,250, वर्किंग नोट नंबर इज 7। चलो इंटरेस्ट भी हो गया। फिर 1 फरवरी को है बेटे सेल, सेल करोगे तो जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। 1 फरवरी, अब 2012 नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा। चलो 1 फरवरी को 15,000 का बॉन्ड बेचे हो 102 रुपया एक्स इंटरेस्ट, 15,000 फेस वैल्यू में लिख देंगे, 102 रुपए में बेचे हो, तो 15,000 इंटू 102% यहाँ पे आंसर आएगा 15,300। अब बस क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट, दैट इज ऑन वर्किंग नोट नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन रुपीस फेस वैल्यू 15,000, 15,000 फॉर डैश मंथ। Alright, अभी आप फरवरी की पहली तारीख को, फरवरी को भूल जाओ, फरवरी के पहले जनवरी, दिसंबर में इंटरेस्ट मिला था, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा। चलो 15,000 पे 6% 1 महीने के लिए आंसर आएगा 75। This is your working note number 8, बेटे सेल करते हैं तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस आता है, तो वर्किंग नोट नंबर 9, P&L on sale। सबसे पहले क्या लोगे, सेल प्राइस, सेल प्राइस कहां से मिलेगा, कॉस्ट के कॉलम से, कॉस्ट के कॉलम से सेल प्राइस दे लेंगे 15,300, ये देखो 15,300 माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट, 3 लाइन का ब्रैकेट, फेस वैल्यू कॉस्ट। चलो फेस वैल्यू के लिए पूरा डेबिट प्लस करो 90,000, क्रेडिट में आओ, इस
इसको छोड़ दो, ऊपर वाले को माइनस करो, 90 माइनस 15 इज इक्वल टू 75,000। चलो कॉस्ट पे आओ, पूरा डेबिट प्लस करो, 48,000, फिर 10,000, फिर 1025, फिर 31,500, पूरा डेबिट प्लस किया। क्रेडिट में आओ, ये 15,300 को छोड़ दो, इसके ऊपर वाले को माइनस करो, 15,525, कॉस्ट आ गया 75,000। चलो अब करंट ट्रांजेक्शन की फेस वैल्यू लो, करंट ट्रांजेक्शन फेस वैल्यू 15,000 क्वेश्चन मार्क, ये इससे मल्टीप्लाई होएगा, ये डिवीजन में चला जाएगा। तो बेटे 15,000 इनटू 75,000, 15,000 आने वाले, डिवाइडेड बाय 75,000, योर आंसर इज 15,000। 300 रुपए का आपको हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट डेबिट में रिकॉर्ड होता है, तो डेबिट में जाएंगे लिखेंगे टू प्रॉफिट स्लैश लॉस अकाउंट, फेस वैल्यू में कुछ नहीं, इंटरेस्ट में कुछ नहीं, कॉस्ट में 300, सेम डेट 1 फरवरी 2013। सेल भी कंप्लीट, उसके बाद 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस है, तो चलो फटाफट सबको क्लोज करते हैं। सबसे पहले फेस वैल्यू क्लोज करेंगे, डेबिट ही बढ़ा लेता है, डेबिट साइड इज 90,000, 90 योर आल्सो 90। चलो क्रेडिट में 15,000 और 15,000, 30,000 माइनस करेंगे, क्या वैल्यू बचेगी 60,000। यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस carried down your end का डेट March 2013। चलो इस पर इंटरेस्ट निकलेगा, वर्किंग नोट नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन रुपीज 60,000 फॉर डैश मंथ। चलो बेटे ध्यान से देखो, अभी मार्च खत्म हो चुका, 31 मार्च खत्म हो चुका, तो मार्च को लेना पड़ेगा, मार्च फेब्रुअरी जनवरी दिसंबर को तो इंटरेस्ट मिला था, कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा 3, तो 60,000 इनटू 6%, 3 महीने के लिए चाहिए तो इनटू 3 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आ जाएगा 900। यहां पे लिखेंगे 900, वर्किंग नोट नंबर 10। अब इंटरेस्ट को क्लोज करते हैं फटाफट, 900 बोलेंगे, 75 को लेंगे, 2250 को लेंगे, और लास्ट है 1800, आ गया 50 25 और आल्सो 5025। इतना इंटरेस्ट कमायो, खर्चे भी तक ये लेस 300 200 750, तो आपका प्रॉफिट आया 3775752, प्रॉफिट स्लैश लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। चलो उसके बाद अब कॉस्ट को क्लोज करते हैं, डेट लिख देता हूं 31 मार्च 2013। अब कॉस्ट को क्लोज करते हैं, 48,000, 10,000, 1025 31 525 and 300 is equal to 90,825 are also 90,825 चलो माइनस कर देते हैं माइनस 15525 माइनस 15,300 वैल्यू बची 60,000। मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, इसके लिए कॉस्ट को ही क्लोजिंग बैलेंस कंसीडर कर लेंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। होप आपको ये लेक्चर समझा। अभी हम लोग इसके बाद एक और क्वेश्चन डिबेंचर पे करेंगे, फिर डिबेंचर को बेटे वाइंड अप कर देंगे, और उसके बाद के सेशन में जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो बेस्ड ऑन शेयर्स रहेगा। थैंक यू वेरी मच।